सप्तमो अध्याय चंड और मुंड का वध ध्यानम। ओम ध्यायेयम् रत्नपीठे शुककल्पठितम् शणवतीं श्यामलांगीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कहलाराबद्धमालां नियमित विलसचोनिकां रक्तवस्त्रां मातंगी शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्धासिभालां। ओम ऋषि उवाच। सरे पग ऋगधप कर सरे अज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश दंड मुंड पुरुगमः चतुरंग मनोवेता जयुरभ्युदतयुतः। तद्रिशुस्ते ततो देवी विशद्धा संव्यवस्थिता सिंहस्योपरि शैलेन्द्र श्रृंगे महति काचने। दृष्ट्वा तां समादातु मुद्यमं चकुरुद्यतः आकृष्ट चापासे धरा स्तथान्येत समीपगः। कोपं चकारोच अम्बिका ता नरीं प्रति कोपेन चास्य वदनं मशीवरमभूतदा। त्रिकुटी कुटिलास्तस्य ललाट फलकाद्रुतं पालिकराल वदना विनिष्क्रांता सुपाशिनी। विचित्र खट्वांग धरा नरमाला विभूषणा पीपि चर्म परिधाना शुष्क मांसाति धर्वा। अश्निग्राहं कुशग्राही योधघंटा समन्वितान् समादायकहस्तेन मुखे चिक्षिपवारणान्। कथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्ते दशानश्चर्वयन्त्यति भर्वम्। एकं जग्राह केशेषु
सेवायामथ चापुरम् पादेना क्रम्य चैवान्य मुरसान्यम् पोथयत्। कर्मोक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरः मुखेन जग्राहलुषा दशनैर्मथितान्यपि। बलीनां तद्बलं सर्व मसूराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यान् न्याशाताडयत्तथा। जग्मुर्विनाशमसूर दन्ताग्राभिहतास्तथा। क्षणेन तत्बलं सर्व मसूराणां निपातितम् दृष्ट्वा चण्डो द्विदुद्राव तां कालीमति भीषणा। छादयामास चक्रश्च मुण्डः क्षिप्तः सहस्रशः। तानि चक्राण्यनेकानि दृश्यमानानि तन्मुखम् बभूयथार्थबिम्बानि सुबहूनि कनोदरम्। भीमं भैरवनदिनी कालिकरालवक्रान्त दुर्दर्श दशनोज्ज्वला। उथाय च महासिंहं देवी चण्ड मधावता गृहीत्वा च सुकेशेषु शिरस्ते नासिनाचिनत्। अथ मुण्डो व्यधावत्ता दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् तवाप्यपातय धूमो सखड्गाभि अदम्भुषा। शेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेदे भयकरम्। शिरश्चण्डस्य कानि च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डतः समिश्रमभेद्य चण्डिकाम्। मया तव कृपहृतो चण्डमुण्डो महापशु युधयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि। तावानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कानि कल्याणि ललितं चण्डिकावचः। यस्मा चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि।
मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुरुषों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेली शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में उच्च शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। ललाट में भौहें टेढ़ी हो गयी और वहाँ से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खडवांग धारण किए और पीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धंसी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों अंकुशधारी महावतों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुख में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुख में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिरा कर मार डालती थी। वे अस्त्रों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुख से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनके उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खडवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उन सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत ही उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उनका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्य को देख कर कल्याण में चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मये चंड मुंड वधो नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में चंड मुंड वध नामक सातवां अध्याय पूर्ण हुआ।